रायबरेली में लोकसभा भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाकर जिले की जनता का और अपने जिला पंचायत सदस्यों और सभी का धन्यवाद अदा किया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का धन्यवाद अदा किया, साथ में मीडिया का भी धन्यवाद दिया। लेकिन उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी कई गंभीर आरोप लगा दिए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पर भी कई सवाल उठाए। मैं रायबरेली वासियों का, रायबरेली के जनता जनार्दन का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पांचों विधानसभाओं में जिस उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया है, रायबरेली के इतिहास में ऐसा दिन पहले नहीं आया। इसलिए मैं रायबरेली की देवतुल्य जनता का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का जिन्होंने मन वचन कर्म से मेहनत परिश्रम करके रायबरेली में कमल खिलाने का काम किया, रायबरेली के पंचायत प्रतिनिधियों का हर प्रधान ने अपने गांव में कमल खिलाने का लगभग प्रयास किया और उन सब का सामूहिक प्रयास आज महसूस होता है कि वो लोग जो कभी वोट मांगने नहीं आते थे, उपचुनाव के दिन गांव की गलियों में, शहर की गलियों में सेल्फी खिंचाते घूमते जरूर दिखाई पड़े। जो महसूस होता है कि रायबरेली के देवतुल्य जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, दिनेश सिंह के शुभचिंतकों ने मिल करके इतनी मेहनत कर दी कि उन लोगों को जो कभी चुनाव में नहीं आते थे, वो पोलिंग के दिन भी घूमते दिखाई पड़े। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।